इस प्लैनेट पर जहां एक ओर पैरट, पीकॉक और हमिंगबर्ड जैसे ब्यूटीफुल बर्ड्स मौजूद है, वहीं दूसरी ओर ईगल और हॉक जैसे शिकारी पक्षियों का भी आतंक देखने को मिलता है। लेकिन शिकारी पक्षियों में सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक और खासकर इकोसिस्टम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पक्षी है तो वो है वल्चर। जी हाँ, अगर आप इस मोस्ट डेंजरस प्रेडेटर के बारे में जानना चाहते हैं और इसके जानलेवा हमलों को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वल्चर को इंडिया में गिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये गिद्ध कौन है और कितना शक्तिशाली है, ये जानने के लिए आपको रामायण के एक इंसिडेंट पर गौर करना चाहिए। जब माता सीता को किडनैप कर रावण अपने साथ लंका ले जा रहा था, उस दौरान जटायु नाम के गिद्ध यानी वल्चर ने रावण का रास्ता रोका था। हमारे पवित्र ग्रंथों में भी गिद्ध की भूमिका को बहुत अहम माना गया है। वल्चर सचमुच बहुत स्ट्रांग होते हैं, साथ ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम के होते हैं। इंडिया के अलावा भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वल्चर्स की कई सारी प्रजातियां पाई जाती है। आज के वीडियो में हम इस पक्षी की इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही वल्चर के कुछ डेंजरस अटैक्स भी देखेंगे। हाई फ्लाइंग बर्ड। वल्चर सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी है। माना जाता है कि ये कई हजार फीट तक की ऊंचाई पर भी उड़ सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इतनी ऊंचाई से भी ये अपने शिकार पर नजर बनाए रखते हैं और सीधे हमले करने का दम रखते हैं। यानी भले ही ये आसमान में उड़ रहे हो, लेकिन इनकी नजर हमेशा जमीन पर ही रहती है और अपना भोजन तलाशती रहती है। इसी वजह से इन्हें खतरनाक पक्षी माना जाता है। वल्चर वर्सेस ईगल। वल्चर के इस अंदाज को देखने के बाद शायद आप भी इनकी एबिलिटी का लोहा मानने लगेंगे। देखिए कैसे जमीन पर भोजन करते इस ईगल को वल्चर ने आसमान से ही निशाना बना लिया है। हाई स्पीड से इस तरह ईगल की ओर झपटा है मानो हाथ लगते ही इसे जमीन दोज कर देगा, और नीचे आते ही ईगल पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। हालांकि ईगल भी खतरनाक शिकारी माने जाते हैं जो अपना शिकार किसी को छूने भी नहीं देते, लेकिन वल्चर के हमले को रोक सके इस ईगल में इतनी शक्ति नजर नहीं आ रही। वल्चर का बड़ा और भारी शरीर खतरनाक हमलों के लिए जाने जाने वाले ईगल के लिए मुश्किल बन चुका है। ईगल की भलाई इसी में है कि वल्चर से अपना पीछा छुड़ाए। वल्चर ने भी झगड़े से ज्यादा भोजन को इम्पोर्टेंस दिया। लाइव इन ग्रुप। दूसरे पक्षियों के मुकाबले वल्चर एक सोशल बर्ड होते हैं जो झुंड में रहना पसंद करते हैं। इन्हें अक्सर एक साथ भोजन करते या पेड़ों पर आराम करते देखा जा सकता है। वल्चर के ग्रुप को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कमिटी, वोल्ट। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अलग अलग समय पर इनके झुंडों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे वल्चर के उड़ते हुए ग्रुप को कैटल कहा जाता है, वही मरे हुए जानवरों को खाने वाले ग्रुप को वेक कहा जाता है। लेकिन कई बार ये भोजन को लेकर आपस में इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि आपस में ही उलझ पड़ते हैं। ऐसा अक्सर ग्रुप का सबसे सीनियर और अड़ियल मेंबर करता है। वल्चर अटैक ऑन वल्चर्स। जैसे वल्चर के इस झुंड को देखिए, सब वल्चर्स आराम से अपने शिकार की दावत उड़ा रहे हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है दबंग वल्चर की, और आते ही ये अपनी धाक जमाना शुरू कर देता है। एक के बाद एक सभी मेंबर्स पर ये हमला बोलने लगता है। हालांकि इस ग्रुप में इसके बराबर के कई और मेंबर्स भी है, लेकिन इसके खिलाफ एकजुट हो सके इसकी पहल कोई नहीं कर रहा है। लगता है इस दबंग वल्चर का रिकॉर्ड पहले से ही खराब है। दरअसल ये हमला दादागिरी से कहीं ज्यादा भोजन को लेकर है। वैसे तो भोजन करते समय वल्चर एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, जैसे सबसे पहले ताकतवर और बड़ी चोंच वाले वल्चर खाना खाते हैं, फिर बाद में दूसरे वल्चर्स अपना हिस्सा खाते हैं। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। दबंग वल्चर पूरा का पूरा भोजन हथिया लेना चाहता है। फूड हैबिट। यूं तो वल्चर एक शिकारी पक्षी है, लेकिन ये मरे हुए जानवरों को खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। बताया जाता है कि शिकारी पक्षियों में सबसे ज्यादा मरे हुए जानवरों का मांस वल्चर ही खाते हैं, क्योंकि ये अपने शरीर के वजन का लगभग 20% भोजन खा सकते हैं। इन्हें सड़ा हुआ मांस खाने से भी कोई शिकायत नहीं है। काफी दिनों से पड़ी बिल्कुल सड़ चुकी लाशों को खाकर जहां दूसरे जानवर बीमारी के शिकार हो जाते हैं, वहां वल्चर के लिए ये बेहद आम बात है, क्योंकि इनके पेट में मौजूद एसिड इन्हें किसी भी तरह की बीमारियों से बचा कर रखता है। ये एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि खतरनाक बैक्टीरिया को भी हजम कर सकता है, यहाँ तक कि हड्डी को पचाने में भी केपेबल होता है। यही वजह है कि वल्चर मरे और सड़ चुके जीवों को खाकर भी बिंदास सरवाइव कर जाते हैं। वल्चर वर्सेस वल्चर। वल्चर के सोशल नेचर के बावजूद भोजन को लेकर कई बार इनका आमना सामना होता रहता है।
कई बार भोजन की कमी या सूखा पड़ने पर ये अपना शिकार दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी नहीं। यहाँ इसी बात की लड़ाई चल रही है। भोजन को अकेले खाने की लड़ाई कई बार खतरनाक रूप ले लेती है और ये एक दूसरे की जान लेने पर भी तुल जाते हैं। लेकिन जब फाइट 1-1 हो तो बात अलग होती है। मगर यहाँ तो इस भोजन पर कई वल्चर्स की निगाहें टिकी है और थोड़ी नोकझोंक के साथ लड़ाइयाँ भी जारी है। अपीयरेंस, ये तो सभी जानते हैं कि वल्चर उड़ने वाले सबसे विशाल आकार के पक्षियों में से एक होते हैं। इनकी मस्कुलर बॉडी, स्ट्रॉन्ग लेग्स और नुकीली चोंच इन्हें बेहद पावरफुल प्रेडेटर बनाती है। इनकी शारीरिक बनावट भी कई तकनीकी खूबियों पर आधारित होती है, जैसे इनकी गर्दन पतली और लंबी होती है। इसके पीछे ये कारण है कि वल्चर मरे हुए जानवरों के शरीर अंदर सिर डालकर खाते हैं, जिसमें इनकी पतली और लंबी गर्दन काफी मददगार होती है। इसके अलावा इनके सिर और गर्दन पर पंख भी नहीं पाए जाते हैं, यानी ये गंजे होते हैं। इसका भी एक लाभ ये है कि मांस खाते समय इन्हें सिर या गर्दन में मांस या खून नहीं फंसता। इस तरह ये आसानी से अपने शिकार को बिना किसी कठिनाई के खा सकते हैं। लेकिन अगर इनके भोजन में कोई सबसे बड़ी रुकावट होती है तो वो है जंगली जानवर जो बीच बीच में आ धमकते हैं, जैसे कि जकॉल। जकॉल वर्सेस वल्चर। जकॉल इनके भोजन पर हमला करे इससे पहले वल्चर्स इसे पूरी तरह लूट लेना चाहते हैं। वैसे वल्चर्स अगर चाहे तो जकॉल को हमला कर यहाँ से खदेड़ सकते हैं, मगर दोनों एक दूसरे पर हमला करने से बच रहे हैं। इस वक्त दोनों का प्लान भोजन चुराने का है। अमेजिंग एबिलिटी ऑफ सेल्फ केयर। एक तो ये सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी होते हैं, साथ ही इनकी आईसाइट और स्मेलिंग कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि ये कई किलोमीटर की दूरी से भी ये अपने शिकार या मरे जानवरों का पता लगा लेते हैं। ताकतवर होने के बावजूद ये शिकार करने का शौक कम ही रखते हैं। अगर इन्हें मरा हुआ जानवर ना मिले या भोजन का संकट हो तभी ये छोटे या कमजोर जानवरों पर हमला कर उन्हें खाते हैं। इनके पेट में मौजूद एसिड के अलावा इनका यूरिन भी इनके लिए काफी यूजफुल होता है। मांस खाते समय इनके पैरों में बैक्टीरिया के पनपने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो बाद में इन्हें कई तरह की बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। लेकिन इसका उपाय भी इनके पास मौजूद है। इनका यूरिन इतना स्ट्रांग होता है कि इससे खतरनाक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए वल्चर अपने पैरों पर सूसू करते हैं। है ना अनोखी बात। इतना ही नहीं, वल्चर को पर्यावरण के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जब ये सड़े हुए मांस को खाते हैं तो एक तरफ जंगल की सफाई हो जाती है, वहीं दूसरे जानवरों के बीमार होने और बैक्टीरिया के फैलाव का खतरा भी कम हो जाता है। इनका यह अनोखापन यही खत्म नहीं होता। बताया जाता है कि जब भी वल्चर को खतरा महसूस होता है ये उल्टी कर देते हैं। इसके पीछे दो कारण बताए जाते हैं। एक तो इनकी उल्टी में एसिड होता है जिसे ये प्रेडेटर से बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं दूसरी ओर उल्टी करने से इनके शरीर का वजन कम हो जाता है और ये तेजी से उड़कर निकल सकते हैं। हाइना वर्सेस वल्चर। हाइना बड़े ही आराम से अपना भोजन कर रहा है, मगर यहाँ आकर वल्चर के पूरे दल ने लुटेरों की तरह धावा बोल दिया है। बेचारे हाइना की मुसीबत अब बढ़ने वाली है, क्योंकि इतने बड़े दल से अकेले पंगा लेना हाइना के बस की बात नहीं। हालत की गंभीरता को देखते हुए हाइना ने मैदान छोड़ने में ही भलाई समझी और देखते ही देखते पूरा का पूरा खाना अब वल्चर्स गैंग के हाथों में चला गया। लेकिन हाइना इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। ये फिर वापस आता है, मगर लाख कोशिशों के बाद भी वल्चर्स के हाथों से अपना भोजन वापस नहीं ले पाता। ये साबित करता है कि वल्चर्स अकेले में तो खतरनाक होते ही है, लेकिन जब झुंड में हो तब तो इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। थ्रेट। इतने खतरनाक होने के बाद भी आज वल्चर विलुप्त होने की कगार पर है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार इंसानों को माना जाता है। इंसानों द्वारा पशुओं को इस तरह की दवाइयाँ दी जाती है जो जीते जी पशुओं के लिए तो फायदेमंद होती है, मगर इनके मरने के बाद जब इनके मांस को वल्चर्स खाते हैं तो इससे इनकी जान खतरे में पड़ जाती है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वल्चर्स पर संकट आने से हम इंसानों का जीवन और पर्यावरण बहुत बड़े संकट में फंस सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दे। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।